अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके आता है विंड एनर्जी सिस्टम. अब विंड एनर्जी सिस्टम होता क्या है ये सबसे पहले देखना है. तो सबसे पहले देखना कि विंड का फ्लो कैसे होता है. तो जो विंड का फ्लो होता है वो होता है हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर साइड. जब विंड फ्लो करेगी तो क्या होगा, उसमें कुछ एनर्जी होगी. यदि मैं उसके बीच में एक टर्बाइन लगा देता हूँ तो वो टर्बाइन के कॉन्टैक्ट में यदि विंड आएगी तो वो उसको क्या देगी, रोटेशन एनर्जी देगी. अब रोटेशन एनर्जी देगी तो उसका क्या होगा, वो टर्बाइन रोटेट करेगा. अब उस टर्बाइन को क्या बोलते हैं, एरो टर्बाइन. यानी किसकी वजह से चल रहा है वो, एयर की वजह से. इसका नाम इसलिए क्या पड़ा, एरो टर्बाइन. अब इसकी जो एक्सिस हो सकती है टर्बाइन की, वो हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. यानी टर्बाइन किस फॉर्म में हो सकता है, यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो मतलब एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल. तो इस टाइप का टर्बाइन, तो विंड यहाँ से आ रही होगी. वर्टिकल है तो क्या होगा, ये ब्लेड हो गई और ये क्या हो गया, इसकी एक्सिस हो गई. तो कौन सी एक्सिस हो, यहाँ पर जो विंड आएगी चारों तरफ से, तो कहाँ से भी विंड आए तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. यहाँ पर क्या होती है कि विंड की डायरेक्शन में आपकी क्या होनी चाहिए, टर्बाइन होनी चाहिए. तो यहाँ से विंड आ रही तो उस डायरेक्शन में क्या लगी होनी चाहिए, विंड टर्बाइन लगी होनी चाहिए. यदि इस फॉर्म में है आपका टर्बाइन, तो यहाँ से जब विंड आ रही है तो यानी कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो एडजस्टमेंट यानी कि या क्या होता है, या कंट्रोल किस में पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. उसमें क्या करना पड़ता है अपन को, या को कंट्रोल करना, यानी कि विंड की डायरेक्शन को आ रही है उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, एरो टर्बाइन को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स रखते हैं जहाँ से अपने क्या आ रही है, विंड आ रही है. इसमें कहीं से भी विंड आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से आए तो वो क्या करेगी, सिस्टम रोटेट करेगा. तो इसमें कौन सी एक्सिस, रोटर दो तरह की हो सकती है, एक तो वर्टिकल हो सकता है, एक दूसरा कौन सकता है, हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो सकता है. अब क्या होगा कि वो जो विंड की पावर है उसकी जो रोटेशन जो हो रही है विंड की वजह से उस टर्बाइन की, वो रोटेशन कम है. कम होने की वजह से यदि मैं उसको एक जनरेटर के रोटर से कनेक्ट करता हूँ तो स्पीड कम होगी. मेरे को क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है. तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक कपलिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ जिसमें क्या करता हूँ कि दो गियर सिस्टम यूज़ कर लिए. एक बड़ा गियर यूज़ कर लिया, एक छोटा गियर यूज़ कर लिया. बड़ा गियर क्या करेगा, वो तो एरो टर्बाइन से कनेक्टेड है बड़ा गियर, उसके एक रोटेशन होगा तो छोटे वाले कितने रोटेशन हो जाएंगे, 10. यानी कि पावर ट्रांसफर कितनी हो रही है, 1/10. यानी कि यदि इसकी स्पीड 1 है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 हो गई. और वो डिपेंड किस पर, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टीथ पर. जिसके नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा है उसकी स्पीड क्या है, कम है. जिसके नंबर ऑफ टीथ कम है उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है. तो मैंने क्या किया, एक गियर सिस्टम से उस रोटेशन को मैंने कन्वर्ट कर लिया, उसकी स्पीड को मैंने इंक्रीज़ कर दी, ज़्यादा कर दी. वो डिपेंड कर रहा है कंट्रोलर से कि लोड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, लोड की पावर कितनी है. तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कंट्रोलर क्या करेगा, उस गियर सिस्टम को एडजस्ट करेगा. उससे क्या होगा कि इसकी जो स्पीड मिल जाए, एक पर्टिकुलर स्पीड मिल जाएगी. और ये इंडक्शन, इसमें जो जनरेटर यूज़ करते हैं वो जो मोस्टली जो जनरेटर होता है वो कौन सा होता है, इंडक्शन जनरेटर. इंडक्शन जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, जब अपन किसी रोटर को ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेंगे तो वो क्या करेगा, स्टेटर में करंट इंड्यूस करेगा. स्टेटर में जब करंट इंड्यूस करेगा तो मतलब मेरे को क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगी. यानी कि मैंने क्या किया, उसकी रोटेशन को सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ा दिया. बढ़ाने पर इंडक्शन मोटर अब किसकी तरह काम करेगी, इंडक्शन जनरेटर की तरह. फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करना है. यदि कंट्रोलर से मैं क्या कर सकता हूँ, गियर सिस्टम को चेंज कर सकता हूँ, यानी कपलिंग को चेंज कर सकता हूँ. और कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा किसका, रोटर ऑफ जनरेटर का. और इससे मेरे को क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर. तो ये सिस्टम होता है किसके अंदर, विंड एनर्जी के अंदर. तो इसके लिए टावर्स यूज़ करते हैं. टावर्स काफ़ी ऊंचाई पर टावर्स होते हैं. जब विंड उससे टकराएगी तो क्या होगा, तो ये मोस्टली जो विंड एनर्जी होती है वो कहाँ, कोस्टल एरिया में अपन यूज़ उसको करते हैं. जो जहाँ पर अपना कोस्टल प्लेन है वहाँ से क्या होता है, वहाँ अपना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ज़्यादा होता है. क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सी एरिया है और लैंड एरिया है. तो सी एरिया लैंड एरिया होने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट जब होगा, क्योंकि जब सन रेज पड़ेगी, एक तो लैंड पे पड़ती है और एक वाटर पे पड़ती है, तो दोनों का जो टेम्परेचर जो डिफरेंस आता है लैंड का और उसका, तो सुबह के समय क्या होता है कि जो लैंड वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और पानी इतना गर्म नहीं हो पाता है. तो लैंड ज़्यादा गर्म होगी और पानी इतना गर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, वहाँ का प्रेशर, लैंड साइड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. और वाटर साइड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया. अब एयर कहाँ से फ्लो करेगी, वाटर जो सी साइड से लैंड साइड की तरफ. फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जो आपका रात को क्या होगा कि पानी का टेम्परेचर तो उतना ही रहा, लेकिन वो टेम्परेचर कम हो गया, कम होने से वहाँ का प्रेशर बढ़ गया. अब एयर का फ्लो कहाँ से होगा, लैंड टू सी. तो इस फ्लो की वजह से क्या होता है कि मैं इस
विंड एनर्जी को यूज़ करता हूँ और विंड एनर्जी को यूज़ करके मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो ये अपना पार्ट हो गया विंड एनर्जी।